मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके नियम भी तय कर दिए गए हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। सेंटर और तारीख के चुनाव की जिम्मेदारी भी स्वयं किसान को ही दी गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर और तारीख का चयन कर सकेंगे। इससे संबंधित कई सारे नियम भी तय किए गए हैं, जो कि सभी किसान भाइयों को जानना बेहद ही जरूरी है। अन्यथा आपको अपनी गेहूं की फसल का पंजीयन करवाते वक्त या फिर अपनी गेहूं फसल को समर्थन मूल्य पर बेचते वक्त काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालकर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, सहकारी समिति और विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और MP किसान ऐप पर भी किसान निःशुल्क तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके अलावा आप MP ऑनलाइन, कियोस्को सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और जितने भी प्राइवेट कैफे हैं, उन सभी पर भी अपनी गेहूं फसल के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीयन कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने 50 रुपए का शुल्क अनिवार्य किया है। अब आगे बात करते हैं कि इसके नियम क्या क्या हैं। तो प्रदेश के 10 संभाग सहित सभी जिलों के 3480 सेंटर पर किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जिलेवर सेंटर की सूची भी जारी कर दी गई है। किसान की भूमि यदि एक जिले के अन्य गांव में है तो पंजीयन के समय किसानों को दूसरे गांव की फसल के रकबे को अपने पंजीयन में जोड़ना होगा। इसके अलावा यदि किसानों की भूमि अन्य जिले में है तो किसानों को अपनी समग्र सदस्य ID और आधार कार्ड का उपयोग करते हुए अन्य जिले से रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं किसानों को पंजीयन करते समय कुछ दस्तावेजों को भी साथ रखना अनिवार्य होगा, जिसमें जमीन की किताब के अलावा आधार कार्ड और बैंक के अकाउंट का पासबुक साथ होना अनिवार्य है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक की पासबुक को साथ लेकर जाएं। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी अनिवार्य है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसको आप आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिएगा। और इसी के साथ में स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि दिखाई देता है कि आधार कार्ड से बैंक लिंक नहीं है तो भुगतान में देरी हो सकती है या फिर आपकी जो भुगतान की राशि है वो अटक भी सकती है। तो किसान भाइयों, आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक जरूर करवा लीजिएगा। और इसके अलावा भू अभिलेख सहित आधार कार्ड खसरे में दर्ज नाम पर ही किसान का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, मतलब सभी जगह पर जो नाम सेम है तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। और इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार की दस्तावेजों से संबंधित त्रुटि आती है तो आप अपने संबंधित अधिकारी से जाकर मिल सकते हैं और इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि राशि के भुगतान की क्या प्रोसेस रहेगी। तो किसान भाई, गेहूं बेचने के बाद किसानों को उनकी राशि का भुगतान उनके द्वारा आप जब पंजीयन करवाएंगे और जो खाता आप उसमें ऐड करवाएंगे उसी बैंक खाते में आपका जो पैसा आ जाएगा, पर आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए, अन्यथा आपको किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। तो आप जरूर जिस भी खाते को आप पंजीयन करवाते समय जोड़ें उसको आप आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लीजिएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कब से होने वाले हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन शुरू हो जाएंगे, जो कि 25 फरवरी तक किसान अपने जो है पंजीयन करवा सकते हैं। तो 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आप अपनी गेहूं फसल का या अन्य फसल का पंजीयन करवा सकते हैं। इसके अलावा पंजीयन के लिए किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार तिथि और सेंटर का चुनाव भी स्वयं ही कर सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के शुल्क भी तय किए गए हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेंटर जैसे ऑनलाइन सेंटर, कियोस्क सेंटर, उस पर से गेहूं का पंजीयन करवाते हैं या किसी अन्य फसल का पंजीयन करवाते हैं तो आपको 50 रुपए का जो है कि शुल्क रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त देना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए। इसमें है कि किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन में जो नाम दर्ज करवाया गया है वो आधार कार्ड से अलग ना हो। अगर नाम अलग होता है तो आपको इस स्थिति में अपने नजदीक के आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपने नाम को चेंज करवाना होगा। वहीं यदि किसान का नाम भू अभिलेख से अलग है यानी कि जो आपकी बही है उसमें आपका नाम अलग आ रहा है तो किसान को राजस्व अधिकारी से संपर्क कर भू अभिलेख में नाम संशोधित करवाना अनिवार्य होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपका जो नाम है वो आधार कार्ड, आपकी जो जमीन की वही है और आप जो पंजीयन करवाएंगे उस तीनों जगह पर आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए।
और आपका आधार कार्ड अपने अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए। इस प्रकार से आपको सभी व्यवस्थाएं पंजीयन से पहले करवा लेनी है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या अपनी गेहूं फसल का पंजीयन करवाते समय ना आए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके काम में आएगी और आपको उससे कुछ फायदा होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा।